पीएम नरेंद्र मोदी ने संत आचार्य महाप्रज्ञ की जन्म शताब्दी पर उन्हें याद किया। उनको लेकर कई बातें कही, कई ट्वीट किए। पीएम ने कहा कि आचार्य महाप्रज्ञ ने जितनी गहराई से अध्यात्म पर लिखा है, स्पिरिचुअलिटी पर लिखा है, उतना ही व्यापक विजन उन्होंने फिलॉसफी, राजनीति, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स जैसे विषयों पर भी दिया है। इन विषयों पर उन्होंने संस्कृत, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश में 300 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। पीएम ने लिखा कि आचार्य ने योग के जरिए लाखों करोड़ों लोगों को डिप्रेशन फ्री जिंदगी जीने की कला सिखाई। तो आइए जानते हैं कि कौन है संत आचार्य महाप्रज्ञ। 14 जून 1920 को राजस्थान के झुंझुनू के गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया नथमल। नथमल के बचपन में ही उनके पिता गुजर गए। इसके बाद माँ ने ही उनका लालन पालन किया। माँ बालू धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो नथमल को शुरू से ही धार्मिक संस्कार मिले। 1931 में नथमल ने 13 पंथ के आचार्य कालूगढ़ी से दीक्षा ली। नथमल अब नथमल से नथमल मुनि बन गए। हिंदी, मारवाड़ी, प्राकृत, संस्कृत आदि भाषा में निपुण होते गए। भारतीय और वेस्ट की फिलॉसफी पर पकड़ बनाते गए। आचार्य तुलसी नथमल के ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें महाप्रज्ञ कहना शुरू कर दिया। 1979 में जब नथमल युवाचार्य बने तो वो युवाचार्य महाप्रज्ञ के नाम से जाने लगे। आचार्य के बाद सबसे बड़ी पदवी होती है युवाचार्य की। युवाचार्य महाप्रज्ञ आचार्य तुलसी के बहुत नजदीक रहे। 1994 में आचार्य तुलसी ने खुद आचार्य का पद त्यागते हुए महाप्रज्ञ को आचार्य घोषित कर दिया। अब नथमल आचार्य महाप्रज्ञ बन गए। 1995 में वो जैन धर्म के श्वेतांबर 13 पंथ संघ के 10वें आचार्य बने। 2010 में वो निर्वाण की तरफ बढ़ चले। महाप्रज्ञ ने अणुव्रत आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई, जिसे आचार्य तुलसी ने 1949 में शुरू किया था। इसे जैन धर्म में जीवन शक्ति की उपस्थिति का पॉजिटिव प्रमाण माना जाता है। इनमें 9 सूत्र और 13 सूत्री कार्यक्रम शामिल थे। अब इसके जरिए आत्मशुद्धि और आत्मनियंत्रण के जरिए चरित्र विकास पर ध्यान दिया जाता है। 1970 में आचार्य महाप्रज्ञ ने प्रेक्षा ध्यान प्रणाली का नया रूप तैयार किया। जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना में आचार्य महाप्रज्ञ की भूमिका जो है वो प्रमुख रही। कई साल तक आचार्य महाप्रज्ञ इस यूनिवर्सिटी के प्रमुख रहे। इस यूनिवर्सिटी का उद्देश्य प्राचीन भारतीय परंपराओं में छिपी सच्चाइयों और मूल्यों का पता लगाना और बताना था, खासकर जैन परंपरा में। 22 साल की उम्र से ही लिखने वाले आचार्य महाप्रज्ञ अपने अंतिम क्षण तक लिखते रहे। 300 से ज्यादा किताबें लिखी। इनमें से अधिकतर किताबें अध्यात्म, ध्यान, मन, कर्म, मंत्र, साधना, योग, अहिंसा, जैन दर्शन, जैन इतिहास आदि सब्जेक्ट्स को लेकर रही। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने आचार्य महाप्रज्ञ को लेकर कहा था कि महाप्रज्ञ आधुनिक विवेकानंद है। हमने विवेकानंद को नहीं देखा, उनके बारे में सिर्फ पढ़ा और सुना है, लेकिन अब हम विवेकानंद को उनके विजन के जरिए देख सकते हैं। भारत के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी आचार्य महाप्रज्ञ को लेकर अक्सर कहते थे कि मैं महाप्रज्ञ के साहित्य का बहुत बड़ा प्रेमी हूँ। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।